ये जो है ये अप एंड डाउन का टिकट है। अब डेढ़ घंटा हो गया ट्रेन से उतरे हुए, अभी तक जेटी तक नहीं पहुंच पाए। सो टाइम हुआ है 6 और इतना देर बाद हम लोग सिर्फ जो है एक जो है बैरियर जो है वो पार किया है, अभी भी जेटी तक नहीं पहुंच पाए। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा। तो लगभग जो है 8 बजे, मतलब हम लोग 4 बजे उतरे हैं ट्रेन से और 4 घंटा बाद हम लोगों को अभी भैसल में चढ़ने का मौका मिला। ऐसा लग रहा है एक भूत भूत देख रहे हैं। 20 किलोमीटर कवर करने में ही हम लोगों को टाइम लग गया था, लगभग 6 से 7 घंटा। मतलब पैसेंजर उतारा नहीं है और अभी देखिए और ऊपर हाई टेंशन तार भी है। लाखों आदमी जो है यहाँ पे खड़े हैं घर जाने के लिए। कष्ट तो उठाना पड़ता है, जब ट्रैवल करना है तो कष्ट उठाना पड़ेगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ऑफ कैलकाटा टू कोलकाता और मैं हूँ आपका दोस्त रंजीत। सो पीछे देख सकते हैं पहुँच गए, जैसे कि मैंने बताया था कि फिर से हम लोग आएंगे गंगा सागर, तो फिलहाल पहुँच गए गंगा सागर, पीछे आप देख सकते हैं। सो चलिए दोपहर को हम लोग निकले 11 बजे और 11 बजे से मतलब अर्ली मॉर्निंग के 11 बजे से लेके अभी रात के 12:30 बजे तक। सो कैसे हम आए हैं टोटल जर्नी चलिए आपको दिखाते हैं। और आज का जो डेट है वो 14 तारीख है और आपको पता ही है कि कल मॉर्निंग में ही होने वाला है गंगा सागर का महास्नान, मतलब जो पुण्य का जो स्नान होता है वो कल मॉर्निंग में होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो स्नान। सो चलिए सबसे पहले तो आपको जर्नी दिखाते हैं कैसे वो कैसे हम आए सुबह को 11 बजे से लेके रात के 12:30 बजे तक। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए काकदीप स्टेशन। चलिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे और यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पे जो है टिकट काउंटर भी बाहर कर दिया गया है बहुत ज़्यादा। सो चलिए चलते हैं, यहाँ से सीधा हम लोग टोटो लेंगे और टोटो लेने के बाद हम लोग सीधा चलेंगे भैसलघाट, जो मैंने पिछले वीडियो में आपने जैसे देखा था वैसे ही हम लोग सीधा चलेंगे भैसलघाट। पिछले बार भी मैंने एक बात बताया था कि यहाँ पे जो है एक गाड़ी में जो है वो 3-3 आदमी करके बैठा था, तो अभी भी सेम मतलब पीछे 3 मतलब टोटल 7 से 8 आदमी पर टोटो। तो चलिए चलते हैं और आज शायद जो प्राइस है वो प्राइस के साथ यहाँ से ज़्यादा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, हम भर भर के आदमी जा रहा है अभी इधर घाटे। तो है यहाँ से टोटो नहीं लिए इसीलिए कि यहाँ से टोटो जब निकलेगा वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आगे से हम लोग टोटो पकड़ेंगे क्योंकि लाइन में नहीं रहना है। हम लोग सीधा जो है एकदम गांव के अंदर से जा रहे हैं एकदम। तो यहाँ पे जो है ऐसे बैरिकेड बना दिया है और यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे। अच्छा ओके
मेहरा इंदौर ग्वालियर से आए हुए, आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो हमारे सूचना केंद्र एक नंबर जटी बजरंग परिषद सूचना केंद्र में आकर के संपर्क करें। रमन रमन मेहरा आपका इंतजार कर रही है। किरण मेहरा जी आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो हमें बहुत परेशानी हो रहा है कि ये ऐसा बैग सामने जो है ना इसमें लेके हमको वीडियो करने में बहुत तकलीफ हो रहा है। सो ट्रेन से जो है उतरे हुए अभी एक घंटा हो गया है पर अभी तक हम लोग जेटी तक नहीं पहुंचे। देखते कब जेटी में पहुंचते क्योंकि जेटी में पार करने के बाद 30 किलोमीटर। सो चलिए देखते कब ये जेटी तक पहुंचता। 48 रुपया 40 रुपया। सो ये है 80 रुपीज करके अप एंड डाउन का टिकट 40। सो ये है हम लोग ले रहे हैं 3 टिकट ले रहे हैं। सो 3 टिकट है ये जो है ये अप एंड डाउन का टिकट है और जिसका प्राइस पड़ा 80 रुपीज आप 40 एंड डाउन 40। सो टाइम हुआ है 5:30 और डेढ़ घंटा हो गया ट्रेन से उतरे हुए अभी तक जेटी तक नहीं पहुंच पाए। देखते हैं कब कब जेटी तक पहुंचते हैं फिर जाके उस पार में जाके कुछ तो मिलेगा। सो चलिए संग में रहिए दिखाते आगे आपको आएगा संग में है ऑलवेज संग में है। तो टाइम हुआ है 6 और इतना देर बाद हम लोग सिर्फ जो है एक जो है बैरियर जो है वो पार किया है अभी भी जेटी तक नहीं पहुंच पाए। बहुत ज़्यादा क्राउड है बहुत ज़्यादा। चलिए दिखाते हैं आपको क्राउड। तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है बंगाली लाइन। इधर हम लोग बंगाली है ना सब, ये सब जिसके छत पे मतलब जितना दूर तक जो छत नहीं है सर के ऊपर जो वो नहीं है बस्ता नहीं है। और इधर देखिए ये सब बस्ता ये सब लगेज है जो लगेज है लगेज वाला ये सब नॉन बंगाली है। तो लगभग जो है 6:40 हो गया है अभी तक जेटी तक नहीं पहुंचे। शायद जेटी तक हम लोग शायद किनारे तक पहुंच गए। देखते अब कितना बजे वेसल में चढ़ते हैं हम लोग। आस्ते दादा आस्ते चलो चलो तो 4 बजे से जो है अभी 7:30 बज रहा है और अभी जो है हम लोग जेटी तक भी नहीं पहुंचे बस ब्रिज तक हम लोग पहुंच गए। और ये पीछे जो देख रहे हैं वो उतना दूर तक देखो जेटी लास्ट बोगी है एकदम लास्ट बोगी। ये टोटल जो है ये पूरा हम लोगों का बंगाली फैमिली टोटल हाँ उनके पास टिकट भी है। तो लगभग जो है 8 बजे मतलब हम लोग 4 बजे उतरे हैं ट्रेन से और 8 बजे 4 घंटा बाद हम लोगों को अभी वेसल में चढ़ने का मौका मिला। तो देख सकते हैं कितना क्राउड है दिखा रहा हूँ। मतलब 4 नंबर गेट से हम लोग जा रहे हैं तो इस जो वेसल है इसमें तो इसमें जो है वो 200 से 250 आदमी उठा रहा है और जो बड़ा वाला वेसल है वो 1 नंबर से छोड़ रहा है
जिसमें 700 लगभग 700 आदमी चढ़ रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सो वो छोड़ रहा है एक नंबर गेट से। सो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये तीन नंबर गेट, यहाँ से तीन नंबर जेटी, मतलब तीन नंबर से जो आदमी लोग जा रहे हैं वो यहाँ से जा रहा है। हम लोग आए चार नंबर से वहाँ से, और आगे है दो नंबर, उसके बाद एक नंबर, और एक नंबर से मतलब ये जो लॉन्च है ये सीधा एक नंबर तक जाने के बाद, वो जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो देखा इलेक्ट्रिक पुल, उसके नीचे से सीधा जाएगा कुचुबेरिया घाट। तो लगभग एक घंटे बाद हम लोग उतर रहे जेटी से, तीन में हम लोग उतर रहे। ए बाबा ऐसा क्यों? लगभग एक घंटा बाद हम लोग जेटी से उतरे हैं। सो चलिए, बहुत ज़्यादा क्राउड है और अभी टाइम हो रहा है 9:05। चलिए चलते हैं। सो देखिए दोनों तरफ से ऐसे सजाया हुआ है। सो ये सब जो देख रहे हैं इन लोगों का हो गया है नहाना, तो ये लोग घर जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं नहाने। देखिए तीन नंबर नाम ओ भैया, कितने बजे से लाइन में है भैया? अरे बाप रे बाप, हमको उस हिसाब से निकलना होगा। तो 9:30 बजे तक हम लोग पहुंच गए बस स्टैंड, बहुत मुश्किल से पहुंचे बस स्टैंड। तो चलिए, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरा हमारे जो है बंगाली ग्रुप है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद ही चलते हैं आगे। सो लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे हैं, और यही होटल जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था उसी होटल में हम लोग फिर से आए हैं। तो यहीं पे डिनर करेंगे क्योंकि मॉर्निंग से कुछ खाए नहीं है, तो यहाँ से डिनर करके उसके बाद यहाँ से गाड़ी बुकिंग करेंगे। गाड़ी बुकिंग करने के बाद सीधा चलेंगे गंगा सागर। तो चलिए देखते हैं खाने का क्या ऑर्डर, अभी क्या अवेलेबल है उस हिसाब से हम लोग अभी ऑर्डर देंगे। तो खाना खाने के बाद अभी टाइम हुआ है रात को 11 बजे अभी हम लोग खाना खा के अभी निकले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो गाड़ी बुकिंग करना होगा। तो जो पीछे आप पूरा देख रहे हैं गैंग, ये जो पीछे पूरा एकदम गैंग चल रहा है, तो ये हम लोग सब मिलके एक साथ ही चल रहे हैं। सीधा हम लोग जाएंगे यहाँ से गंगा सागर। तो सबसे पहले तो हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं, गाड़ी का प्राइस आज शायद ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं गाड़ी का क्या प्राइस पड़ता है। तो हम लोग जो है वो टोटल जो है 14 है। सो उस हिसाब से हम लोगों को गाड़ी बुकिंग करना होगा जहाँ पे ये 14% उस गाड़ी में जा सके। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सारे जो है हमारे गैंग हैं, और हम लोग सब बंगाल के, सब बंगाली, पूरा बंगाली एक साथ, इतने भीड़ में हम लोग एकजुट हो गए एक परिवार। तो चलिए चलते एक साथ सीधा गंगा सागर। सो टाइम हुआ है रात के 12:30, और 12:30 बजे हम लोग पहुँच गए गंगा सागर।
पूरे जो ग्रुप है अभी बस से उतरे और बस का वीडियो इसीलिए नहीं कर पाए, रीज़न है कि बहुत ज़्यादा क्राउड था। सो चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले तो अभी टाइम 12 बज गया, 12:30 बज रहा है, तो अभी सबसे पहले तो रहने के लिए कोई जगह चाहिए हम लोगों को, तो चलिए देखते हैं रहने के लिए क्या जगह इंतज़ाम होता है। सो इसी बस में हम लोग आए हैं, सो तब तो दिखाने नहीं पाए बट अभी दिखा रहे हैं, इसी बस में आए हैं और यहाँ पे पिछले बार जहाँ पे उतारा था वहीं पे उतारा है और देख सकते हैं कि फॉग कितना ज़्यादा है। सो चलिए चलते हैं सीधा अभी घर के लिए, कोई जगह ढूंढते हैं सबसे पहले रात बिताने के लिए। सो रात के 1 बजे चल रहे हैं हम लोग गंगा सागर। चलिए दिखाते हैं आपको क्या व्यू है। तो पिछले बार जो है हम लोग इस रास्ते से गए थे, रात को 1 बज रहा है लेकिन फिर भी जो है इतना क्राउड है। ये रास्ता जो है सीधा कपिल मुनि का आश्रम जाता, पिछले बार भी नहीं गए थे लेकिन इस बार भी हम लोग इसी रूट से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है रहने का जगह जो है हम लोगों को ज़्यादा मिलने का चांस है वो ज़्यादा है। तो चलिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए सो हमारे जो है बंगाली बेटिलियन, सो पूरा चल रहे हम लोग और ये है ये नया दोस्त तुषार और ये है आंटीज अंकल सब है, पूरा हम लोग बंगाली जो ग्रुप है सब चल रहे हैं। हम लोगों को सबको एक ही जगह लेना है और सब वहीं पे रहेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे रह रहा है यादव। सो देख सकते हैं कि कैसे जो है ये लोग ऐसे लेट के जो है रात बिता रहे हैं इधर चारों तरफ एवरीवेयर। सो अभी जो है रात के 1:30 बज रहे हैं और देखिए जिन लोगों का हो गया स्नान वो घर वापस जा रहे हैं। सो लग नहीं रहा कि यहाँ पे 1:30 बजे हुए हैं। आपको एक बात बताऊं कि सब आदमी कहता है कि हर तीर्थ स्थान बार बार बट गंगा सागर एक बार, तो ये बात क्यों बोला जाता है ये आज रियलाइज़ किया क्योंकि हम लोग जो है शाम को 4 बजे उठ रहे हैं ट्रेन से और यहाँ पे गंगा सागर पहुँचे हैं रात के 1:30 बजे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर कवर करने में ही हम लोगों को टाइम लग गया था, लगभग 6 से 7 घंटा। और एक चीज़ तो हम लोग तो चलिए शाम को 4 बजे उठ रहे हैं ट्रेन में, कुछ जो है जैसे मेरा ये पीछे बैटालियन बंगाली बैटालियन ये लोग उतरे हैं 10 बजे और 11 बजे से ये लोग लाइन में हैं और हम लोगों के साथ ही चल रहे हैं सीधा गंगा सागर। तो आप सोच सकते हैं मतलब सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक या 12 घंटा और उसके बाद 12:15 मतलब 14 से 15 घंटे के आसपास टाइम लग गया हम लोगों को। जो स्टेशन में हम लोग उतरे हैं उस स्टेशन से लेके सीधा गंगा सागर तक। चलिए चलते तो है और देखते हैं कि जगह कुछ मिलता है कि नहीं रहने का रात को, क्योंकि रात को बिताना है, ऐसे बात तो सो नहीं सकती क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लोगों को घर मिल गया वो तो ठीक है बट जिन लोगों को घर मिल नहीं मिला बस ऐसे ही है, ये शेड है समझिए। सो टेम्परेचर है यहाँ का 22,
दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग पहुँच गए 3 नंबर गेट के तरफ। पिछली बार भी हम लोग यहीं से आए थे। देख सकते हैं चारों तरफ जो है ऐसे सो के, आज रात का एक रात का बात है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सो यही है ये है वाटर सप्लाई। देखिए गवर्नमेंट के तरफ से ये है वाटर सप्लाई और ये है एम्बुलेंस। देखिए एम्बुलेंस में ही वाटर सप्लाई हो रहा है। अमृतसर पंजाब और से आए हुए रात को मैंने जो बताया था आपको कहीं भी हो, चारों तरफ ये जो उस बार मैंने दिखाया था ये सारी चीज जो है, ये सब जो है आप सीधा यहाँ से लेके गंगा में माँ गंगा के पास आप दे सकते हैं। सो ये सब चीज जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा डाला है, मैं एक बार इनका भैया से मैं एक बार पूछ लेता हूँ डाला का जो प्राइस वो आपको बताएंगे। दादा बोलो वाला 100 रुपया 70 रुपया। अच्छा ये वाला जो है, ये वाला जो है ये 100 रुपया में, ये 100 रुपीज। अच्छा इसमें क्या क्या है? इसमें कपड़ है, अगरबत्ती सिंदूर, नुआ सिंदूर टीप भी है। अच्छा अगरबत्ती भी मिल जाएगा, नारियल मिल जाएगा, फूल मिल जाएगा, फूल मिल जाएगा। अच्छा नोकुलदाना भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिठाई ये नोकुंदाना एक वन टाइप्स ऑफ स्वीट्स है, ये खास करके हमारे कोलकाता में या बंगाल में ये मिलता है, इसको नोकुंदाना कहते हैं हम लोग बंगाली में। और ये है 70 रुपीज़। और ये है 70 रुपीज़, ओनली 70 रुपीज़। अच्छा हम लोग एक नारियल है, फूल है, अगरबत्ती कच्चा है, कच्चा बोलते हैं हम लोग। अच्छा और अगरबत्ती नोकुलदाना भी मिलेगा इसको, सिंदूर टिप भी मिलेगा। ओके सब कुछ मिलते हैं, ओनली 70 रुपीज़। तो भैया इसको कच्चा बोले, अगर किसी को समझ में नहीं आता मैं बताता हूँ, चेली भी हम लोग बोलते हैं बहुत, ये आपको चेली बोल के ये आपको मिल जाएगा। रेड कपड़ा होता है जो भगवान को देते हैं, एक्चुअली हम लोग विष्णु जी को नारायण जी को देते हैं ये कपड़ा। और ये सब छोटा सामान मिलने के लिए सामान। अच्छा वही सामान है जस्ट पैक किया हुआ है। ओके और आपका नाम भैया? मेरा नाम प्रियव्रत मंडल। अच्छा मैं वेस्ट बंगाल गंगा सागर से, गंगा सागर में रहता हूँ हम लोग। अच्छा यहाँ पे वो मकान दे रहा है वो सिर्फ मेला के लिए, हम लोग यहाँ पे आते हैं बहुत इंजॉय करते हैं, सामान वो सब सामान बेचते हैं और बहुत दूर से लोग जो आते हैं यहाँ पे तीर्थस्थान के स्नान करने के लिए, उसका साथ मिल के हम लोगों की भी बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक तरफ से बोला जाए तो बंगाली में कहावत है कि रौद देखना और कोला बेचना, मतलब पूरा सेम एज वैसे ही है कि यहाँ पे घूमना भी होता है हर साल और काम भी होता है। सो बोथ हम लोगों के जैसा ही है, हम लोग भी घूमते हैं और काम होता है, दोनों बोथ। सो चलिए बात के एक ही बात है भाई, सब तीर्थ तो बार बार सिर्फ गंगा सागर ही एक बार मिलता है सालों में एक बार। मैंने कुछ देर पहले ये बात आपको बताया कि सब तीर्थ स्थान आप बार बार जाता है और गंगा सागर जो है एक बार जाता है। सो चलिए आपको दिखाते हैं और आगे क्या सामान मिलता है। थैंक यू भैया, थैंक यू। जब रुकी रही है तन्नू भी हमारे गए ली ना जा அடைந்த
উড়িয়ে শালা কি জল আসছে, এ তো জলে চলে এসছি আমরা। অজস্র ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষেরই মহামানবের মিলন। সো রাত কে ঢাই বাজে, দেখিয়ে কিতনা ফগ হ্যায়। देखिए ये है पुलिस कंट्रोल रूम, सुंदरबन जिला पुलिस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम जो है गंगा सागर के जो एकदम किनारे ये सेल हो रहा है, तो देख सकते हैं वो जो डाला मैंने पहले दिखाया था वो यहाँ पे भी सेल हो रहा है। सो मॉर्निंग जो है अभी तक हुआ भी नहीं है और सभी जो है यहाँ पे नहा रहे, देखिए सब स्नान कर रहे हैं गंगा सागर में। सो इस व्लॉग में मैंने जो है आपको सिर्फ गंगा सागर पहुँचने का और वहाँ से वापस आने का वीडियो ही मैंने शेयर किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है उसमें मैंने गंगा सागर पहुँचने के बाद क्या क्या किया है और वहाँ का आदमी लोग का गंगा सागर नहाने के बारे में क्या उनके राय हैं, ये सारे चीज़ और वहाँ पे आप कैसे नहाएंगे, कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल होगा, कितना किसका प्राइस है और वहाँ पे आप नहाने के साथ स्नान के साथ साथ क्या क्या और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे गोदान वगैरह पूजा दे सकते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने सेकेंड वीडियो में बताया। सो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह को 8 बजे निकले थे कुछ भी जाने के लिए, लेकिन ये हुआ कि 8 से 12 बज गया, लेकिन हम लोग मेन रोड तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद जो है हम लोग 12 बज गया, 12:30 बज रहा है एक्चुअली, हम लोग जो है मेन रोड तक ही नहीं पहुंच पाए जहां से हम लोग गाड़ी कैंप में कर रहे हैं। पता नहीं आपके पास कब मैं पहुँचाने पाऊँगा, सोचा था कि दोपहर तक घर पहुंच के शाम तक आपके पास ये वीडियो पहुंचा दूंगा, बट पता नहीं कब पहुंचाऊंगा क्योंकि दोपहर तो यहीं पे बज गया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कब कैसे और जाते हैं घर। सो संग में रहिए। तो आखिरी तक बस स्टैंड तक पहुंच गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा क्राउड है कि बस मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर आप प्राइवेट गाड़ी करना चाहते हैं तो जहाँ 30 रुपीज़ का भाड़ा है, 30-35-50 का भाड़ा है, वो मांग रहा है 6,000-7,000 पाँच आदमी का, मतलब एक एक आदमी का 1,200-1,300 रुपये का। चलिए देखते हैं कैसे जाते हैं। मतलब पैसेंजर उतारा नहीं है अभी देखिए, और ऊपर हाई टेंशन तार भी है। तो अभी भी जो है लाखों आदमी जो है यहाँ पे खड़े हैं घर जाने के लिए, तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने बस का जो है इंतज़ाम किया, इतना मेहनत लगा कि क्या बताएं।
देखिए कितना लाखों आदमी जो खड़ा है घर जाने के लिए। लाखों आदमी खड़ा है, लाखों आदमी घर जाने के लिए, गाड़ी नहीं है। बोलिए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? हाँ, पहली बार आए हैं। और जो मेले में जो परेशानियाँ होती है वो तो होती हैं, हर व्यक्ति को होती है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। अच्छा, जहाँ पब्लिक जमा होती है वहाँ भीड़ होती है, वहाँ परेशानी होती जरूर है, लेकिन कष्ट तो उठाना पड़ता है। जब ट्रैवल करना है तो कष्ट उठाना पड़ेगा। बगैर कष्ट का ट्रैवलिंग नहीं होता है। बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सामान लेके नहीं चलना चाहिए, कम से कम सामान लेकर के गुजारा करना चाहिए। ये देखिए हम एक बैग सी एक बैग एकदम 100% एक बैग लेके जो जरूरत है वही लेके चलो। भाई तीन पीढ़ी का सामान लेके चलोगे खुद ही तकलीफ में रहोगे। बस हाँ, एक जन के तीन तीन बैग ट्रॉली बैग माने क्या है? जिसको लगता है उसका तो मतलब ठीक हो जाता है, उसका तो मतलब हो जाता है। चलिए थैंक यू। अपन हाल कहियो जे हम दाह के हां देई देई आगे हम सारा बुझे छी। ज्यादा आगे मत जाइए नहीं तो फिर धक्का मुक्की होगा। बाबा महादेव चार दोसर बेर सहारा क्यों है मुली पर जितना पूरी खाए थे यहीं पे निकाल दिए का? सो तीन घंटा लाइन में खड़ा रहने के बाद हम लोगों को मौका मिला जेटी में आने का। और ये जीजा जी का हालात देव जी कैसा है? तीन घंटा अभी भी तो चलिए चलते हैं। तो लगभग 3.5 घंटे के बाद हम लोगों को मौका मिला जेटी में चढ़ने का, फिर भी नहीं मिला। देखते हैं कब मौका मिलता है जेटी में चढ़ने का। सो 3.5 घंटे के बाद हम लोगों को मौका मिला लॉन्च में चढ़ने का, तो लॉन्च अभी छोड़ दिया है। सो चलिए चलते हैं सीधा उस पार। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा। ये तुषार, तो तुमको बोलो, कुछ बोलो, क्या है, कैसा लगा?
हालत खराब हो गया भाई, ऐसी बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत बहुत। तो चलिए उस पर चलते हैं, उस पर जाके भी बात करते हैं आपसे। इतना जंतोजहद के बाद जो है पहुंच गए हम लोग इस पार्ट। सो चलिए अभी यहाँ से हम लोग को वैन लेना है, और वैन लेने के बाद यहाँ से चलना है स्टेशन। चलते हैं, चार घंटा बाद जो है हम लोग निकल पाए, और फिर 12 बजे से लेके अभी शाम के 7 बज रहा है, मतलब थोड़ा सा ही रास्ता है, लेकिन आने में हम लोगों को 7 घंटा लग गया। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलने के बाद हम लोग जो पकड़ेंगे यहाँ से वैन टोटो कुछ भी मिलता है वो पकड़ेंगे, पकड़ के सीधा चलेंगे स्टेशन। सो चलिए चलते हैं, कृपया ध्यान दें। फिलहाल जो है हमारे बॉस भी चला रहे हैं, और तो आती है पीछे एक वैन में 15-20 आदमी ले लिया है, 15 और टोटल जो है 15 आदमी का सवार। ट्रेन जो था वो इतना भीड़ था कि हम वीडियो बना नहीं पाए। सो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करके यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल कलका टू कोलकाता। सो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, और बंगाली में बोले तो आभार देखा होगा टाटा।